अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट। हाँ आ जाओ। सो बेसिकली अपन आज जो सेट डिस्कस करने वाले हैं जो तुम्हारी स्क्रीन पे है वो ये है। पहले तो जो बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया उनको स्क्रीन पे ले आते हैं। हाँ मेंटोरशिप, मुझे आइकॉनिक फ्री या पेड का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो लगता है जेन्युइनली बहुत सीरियस है मैं उन सब की हेल्प करता हूँ। ये पार्ट ऑफ लाइफ है कि तुम आइकॉनिक हो तभी मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा, ऐसा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मेरी एडवाइस के मुझे पैसे लेने चाहिए, सीधी सी कहानी है। मैं पैसे लेता हूँ तुम्हें पढ़ाने के, वो भी नहीं लूं अगर तुम कोई ऐसा सिस्टम कर दो कि सब कुछ फ्री है मेरे लिए, आना जाना खाना पीना और फ्यूल। ठीक है आ जाओ। दिख गया एकदम स्क्रीन पे, दिख रहा है एकदम क्लियर है। पहला सेट है तुम्हें, देखो अब मैं उन लोगों की हेल्प करूंगा जो पहली बार एलआरडीए में सामना कर रहे हैं। तुम्हें ये सब कुछ नहीं देखना, ठीक है? मान लो ये देख के तुम्हें अजीब लग रहा होगा, मुझे भी लगता है, मैं जब कोई सेट देखूंगा मुझे भी अजीब लगेगा, सबको लगता है, ये कॉमन कॉमन एरर है। बट क्या तुम लोग डोरमेट्री जानते हो? हाँ भाई डोरमेट्री जानते हो। कई बार ऐसे तुम्हारी हॉस्टल में देखा है कि एक ही रूम में चार चार बेड लगे हुए हैं, पांच पांच बेड लगे हुए हैं। यस सब कुछ लिखा है। एट ए मैनेजमेंट स्कूल द ओल्डेस्ट एम डोम नंबर 1 to 10, ठीक है? उनके वहां पे जो डोरमेट्री लगी है उनका नंबर है 1 से 10। यहां तक डन है? यहां तक डन है। नीड टू बी रिपेयर अर्जेंटली, उन्हें रिपेयर करने की जरूरत है। हो सकता है कि नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, जैसे अगर मान लो अब CAT 23 वाले जाएंगे तो उनके जाने से पहले IIM वाले क्या कह रहे हैं कि यहाँ की डोरमेट्री ठीक करवा लेते हैं, नहीं तो गलत इम्पैक्ट जाएगा, है ना? नए नए बच्चों के लिए तो होता ही ऐसा। द फॉलोइंग डायग्राम दिख रहा है तुम्हें स्क्रीन पे, रिप्रेजेंट द एस्टिमेट रिपेयर कॉस्ट इन CR, मतलब ये करोड़ों में होती है सब कुछ, ठीक है? द 10 ड्रोम, 10 के 10 ड्रोम की बात हो रही है। फॉर एनी ड्रोम एस्टिमेट रिपेयर कॉस्ट इन रुपीज करोड़ इज एन ए इंटीजर, मतलब तुम जब पैसा खर्च करोगे तो वो तुम ऐसे नहीं कह सकते कि 1 करोड़ 3 लाख, 1 करोड़ 5 लाख, 5 करोड़ 6 लाख, इंटीजर होगा, मतलब 1 CR, 2 CR, 3 CR, 4 CR, 5 CR एंड 6 CR। इज इट क्लियर? यहां तक डन है। अब मैं थोड़ा सा डायग्राम पढ़ना सिखा रहा हूं तुम्हें। डायग्राम में ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, इतना तो जनरली बचपन में भी पढ़ा होगा। ये नंबर ऑफ डोर मैटर्स और ये एस्टिमेट रिपेयर, मतलब इस लाइन पे सारा का सारा रिपेयर वाला काम है और इस पे तुम लोगों के डोरमेट्री का काम है, ठीक है? फिर साइड में ये लाइट रिपेयर है, मतलब येलो कलर लाइट को बताएगा, एंड ये बीच का कलर जो है वो मॉडरेट रिपेयर है इसको बताएगा, और ये एक्सटेंसिव रिपेयर है इसको बताएगा। चलो इतना समझ में आया। अब अगर मैं सबसे पहले इस येलो लाइन को रीड करूं तो 1 करोड़, इसका मतलब 1 करोड़ कितने डोरमेट्री पे आ रहा है बेटा? 1 करोड़ कितने डोरमेट्री पे आ रहा है? सर 1 करोड़ दो ऐसे डोरमेट्री है जिनपे 1 करोड़ खर्च होगा, 1 CR। देखो 1 CR, ये 2 पे टच हो रहा है, दैट्स व्हाई अपन ने इसे रीड कर लिया। मैं हर बच्चे को बता रहा हूं जिन्होंने पहली बार देखा है ये। गॉट इट? अगेन आई स्पेंड 2 करोड़ कितने डोरमेट्री पे? सर ये 1 वाली पे टच हो रहा है तो ये 1। यस समझ में आ रही है पिक्चर? यहां 1 करोड़ 2 डोरमेट्री पे हो रहे हैं और यहां पे 2 करोड़ 1 डोरमेट्री पे हो रहा है। अगेन 3 CR जहां खर्च हो रहे हैं उसमें कितने डोरमेट्री है? सर ये 3 को टच कर रहा है तो देर इज 3। बोलो रीड करना आ गया क्या? अब अगेन 4 की बात करें तो 4 के लिए कितना है सर, कितने डोरमेट्री है? सर 1 है। बहुत बढ़िया। 5 CR जहां खर्च हो रहे हैं वहां पे कितने डोरमेट्री है? सर वहां भी 1 है। और 6 CR जहां खर्च हो रहे हैं वहां पे कितने हैं? सर वहां पे नंबर ऑफ डोरमेट्री है 2। बोलो इस क्लास का हर बच्चा ये बात क्रैक कर पा रहा है बिल्कुल एकदम बेसिक वे में? ये जो सामने डायग्राम है इसे कहते हैं बार ग्राफ। जब पढ़ाऊंगा तो बहुत डेप्थ में पढ़ाऊंगा, कम से कम 15 से 20 सेट करेंगे, बट ये बेसिक बार ग्राफ है, कोई भी रीड कर सकता है। बोलो ये रीड करने में प्रॉब्लम हुई? यू गाइस नोटिस दैट 2 + 1 होता है 3, 3 + 3 होता है 6, 7, 8 और 2 10। इसका मतलब टोटल 10 डोरमेट्री है। क्या सबकी इंफॉर्मेशन स्क्रीन पे गिवन है? अगर मैं तुम्हें पूछूं तो एक्सटेंसिव रिपेयर के लिए आने वाली डोरमेट्री की टोटल नंबर कितने?
टोटल नंबर ऑफ एक्सटेंसिव रिपेयर वाले डोरमेट्री कितने? सर 1+2 3 है, एक नॉर्मल डाटा ना, एकदम नॉर्मल सी बात कर रहे हैं सर, एकदम सही बात है। मॉडरेट रिपेयर वाले कितने गए? मॉडरेट रिपेयर वाले कितने सर? मॉडरेट रिपेयर वाले 3+1 4 है। कोई भी ऐसा बच्चा जिसको ये रीड करना नहीं आ रहा हो, टेल मी राइट। यहां तक 2+1 ये 3 है। होप सो कि एक एक बातें समझ में आ गई। अब मैं तुम्हें साइड बाय साइड एक चीज लिखूं, जो लाइट रिपेयर करेगा वो कितने सीआर है, या तो वो 1 CR लेगा या 2 CR लेगा। बोलो समझ में आ रहा है कि ये व्हाइट कलर में जो मैंने लिखा है। जो मॉडरेट रिपेयर होगा, मॉडरेट रिपेयर वाले कितने लेते हैं सर? मॉडरेट रिपेयर वाले 3 और 4 CR लेते हैं। यस, ये मैं पैसे बता रहा हूं। और जो एक्सटेंसिव रिपेयर होगा वो कितने पैसे ले रहे हैं गाइस? एक्सटेंसिव रिपेयर वाले 5 और 6 CR लेंगे। 5 और 6, ये देखो 5 और 6 CR। सिंपल है ना कहानी? देखो यहां ये जो कलर है ना, ये कलर ये बता रहा है कि यहां 5 और 6, मैं उसी कलर में डाल देता हूं, देखो तुम्हें समझ में आ जाएगा, रेड कलर में डाल देता हूं। ये 5 और 6 एक्सटेंसिव के लिए है राइट एवरीवन। ये ब्लू 3 और 4 मॉडरेट के लिए है, एंड 1 और 2 जो है सबसे पहला, दैट्स फॉर लाइट रिपेयर। पहले बताओ, एकदम अच्छे से क्लियर है? मुझे क्या कहना है कि तुम्हें एलआरडीए में सबसे पहला फियर ये निकालना है कि इतना बड़ा सेट कैसे सॉल्व करेंगे। सो मेक श्योर वन थिंग कि सिर्फ एक लाइन रीड करने पे फोकस करना है, वन टाइम पे सिर्फ वन चीज पे फोकस करना है, पूरा सेट नहीं देखना। जब स्टार्टिंग होती है, इनिशियल स्टेज होती है, तब तुम्हें ऐसे रीड करना आना चाहिए। बोलो यहां तक ठीक है? ये बेटर अंडरस्टैंडिंग थी। इसे कहते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा था ये डेटा था ये सारा, तुमने इंटरप्रेट किया अपनी लैंग्वेज में, गॉट इट और नॉट? तुमने अपनी लैंग्वेज में इंटरप्रेट कर लिया, लाइट के कितने हैं, मॉडरेट के कितने हैं, एक्सटेंसिव के कितने हैं। और ये जो इंटरप्रिटेशन है वो सबका अलग होता है, नहीं समझे? मान लो मैं तुम्हें 100 रुपीज दूं, तो 100 रुपीज को तुम कैसे इन्वेस्ट करोगे, सबका अलग अलग है ना, बट तुम्हें करना इन्वेस्ट ही है। सेम चीज, इसे इंटरप्रेट करने के और भी तरीके हैं, बट तुम्हें सबसे बेहतर और स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड माइंड में रखना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास आ जाए। आगे सुनो, फर्दर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नोन, इनके बारे में दो बातें और कही गई हैं। अब मेरे माइंड में अब तक तो कुछ नहीं है, अब तक तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। दो बड़ी बातें, एक तो मैंने इंटीजर रीड कर लिया, एक मैंने ये तीन टाइप के रिपेयर। ओड नंबर डोंट नीड लाइट रिपेयर। जो जो ओड नंबर के हैं उनको लाइट रिपेयर की नीड नहीं है। क्या बात क्लियर हुई? लाइट रिपेयर नहीं चाहिए उनको। इवन नंबर डोंट नीड मॉडरेट रिपेयर, मतलब उन्हें मॉडरेट नहीं चाहिए। तो क्या कहीं ना कहीं तुम्हें ये नहीं नजर आ रहा कि मान लो मैं डोरमेट्री का नंबर लिखूं, देखो ये बात समझो एक बार, क्या ये नजर आ रहा है सबको? ये सारे डोरमेट्री के मैंने नंबर लिख दिए, ये लिखने में थोड़ा इजी नहीं लग रहा? खुद बताओ, ये बात लिखने में ठीक नहीं लग रही कि सारे डोरमेट्री लिख दिए सर? अब मैं यहां पे ऊपर एक टेबल में लिख देता हूं कि एक लाइट रिपेयर है, एक मॉडरेट रिपेयर है, ठीक है, और एक एक्सटेंसिव रिपेयर है, खत्म। ये लिख दूं और उसमें से मैं तुम्हारे सामने ही देखा है, देखो ओड नंबर ड्रॉन नो नीड टू लाइट रिपेयर, तो ओड के सामने सामने क्रॉस कर दूं, जो जो ओड है उसके सामने क्रॉस कर दूं। मजा आ रहा है सोच के? टेबल बना के सॉल्व करने का सिर्फ यही रीजन है कि तुम मैक्सिमम केसेस एक साथ ही लिख लेते हो। बोलो एक बात में ये चीजें समझ में आई क्या? और अगर ये चीजें समझ में आई तो आई विल अपलोड ए पिक्चर। देखो एक पिक्चर अपलोड करता हूं, ये रही तुम्हारे सामने, ये तुम्हें बनानी है, मेरे को ऑलरेडी था इसलिए मैंने ये बना लिया। समझ रहे कि नहीं आया समझ में? एज इट इज, इससे सेट हो जाता है आसान। अरे गॉट इट, क्या किया है मैंने, ये जो टेबल तुम हाथ से बना रहे थे ये बनानी है तुम्हें, इसीलिए कहा है कि पेंसिल लेके बैठा करो, अगर तुम ऐसे बनाते हो तो एग्जैक्टली ऐसा कुछ बनता है ये, इस तरीके से। इसमें सुंदरता के कोई नंबर नहीं है, तुम्हें बस खुद को समझ में आ जाए उतना बना लिया करो। पेंसिल और इरेजर बहुत जरूरी है जब भी तुम एलआरडीए की बात करते हो। ऐसा कुछ किया, सिंपल सी कहानी है, इस तरीके से क्रॉस डाउन किया, ठीक है बेटा? क्या मैंने वो लास्ट में जो टेबल है वो कुछ ऐसी बना रखी है? और उसके बाद क्या है, इवन के लिए क्या है, इवन के लिए क्या है, इवन मॉडरेट नहीं करवाता तो मॉडरेट वाले को क्रॉस कर दूं क्या, इवन में मॉडरेट को क्रॉस कर दूं क्या? खत्म हो गई कहानी। अब मैंने अपनी मर्जी से मैक्सिमम केस कैंसिल आउट कर दिए। बोलो समझ में आ रहा है क्या यहां तक? आगे देखो,
दोज नंबर आर डिविजिबल बाई थ्री, नो नीड टू एक्सटेंसिव रिपेयर। एक्सटेंसिव रिपेयर मतलब थ्री का, थ्री से डिवाइड होने वाले नंबर कौन कौन से हैं? सर थ्री से डिवाइड होने वाला पहला नंबर तो थ्री खुद है, पहला नंबर तो खुद थ्री है, फिर अगला सिक्स है, फिर नाइन है। क्या ये अंडरस्टैंडिंग बैठ रही है सबको? एवरी न्यू कमर, थ्री से डिविजिबल मतलब थ्री की टेबल, थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन एटीन। तो गाइज थ्री सिक्स नाइन ये तीन ही ऐसे नंबर हैं जो क्या नहीं करवाएंगे सर, ये आपका एक्सटेंसिव रिपेयर नहीं करवाएंगे। थ्री काट दो, आपका सिक्स काट दो, राइट, और आपका नाइन काट दो। चमक गया एकदम। पेशेंस रखो, क्योंकि अगर 40 मिनट के अंदर तुम सिर्फ एक भी सेट करते हो तो इंडिया के टॉपर हो तुम। एक सेट मतलब अगर तुमने एक्यूरेसी से कर दिया, लिटरली यू आर टॉपर। मतलब एक सेट का मतलब चार क्वेश्चन सही तो तुम्हारे 12 नंबर, और जब वो नॉर्मलाइजेशन के बाद होंगे वो 20 नंबर तक चले जाएंगे एक्यूरेसी की वजह से। और इस बार जिसके 20 नंबर एलआरडीए में थे उसके परसेंटाइल पूछ लेना, 95% से ज्यादा है। तो 40 मिनट मिलेंगे, तो डोंट पैनिक। बस दो चार चीजें हैं जो धीरे धीरे सीखनी है, कि सही सेट पिक करना और सही डायरेक्शन में पिक करना। इतना क्लियर हुआ? इतना जेन्युइनली क्लियर हुआ? एकदम कोई दिक्कत नहीं, आ गया। ड्रोन्स 4 to 9 ऑल नीड ए डिफरेंट रिपेयर कॉस्ट। मुझे बताओ डिफरेंट रिपेयर कॉस्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट डिफरेंट रिपेयर कॉस्ट? मतलब सबको अलग अलग पैसे लगे हैं। इस डोरमेट्री से और डोरमेट्री 9 तक सबको अलग अलग पैसे देने पड़े हैं। यस और नो? डोर 4 से 9 तक डिफरेंट रिपेयर कॉस्ट, मतलब अगर किसी ने 1 दे दिया तो 1 रिपीट नहीं होगा, किसी ने 2 दे दिया तो 2 रिपीट नहीं होगा, किसी ने 3 दे दिया तो 3 रिपीट नहीं होगा, डिफरेंट। और कितने है बेटा? यू गाइज नोटिस दैट 1 2 3 4 5 6। एंड मजे की बात बताऊं क्या, तुम्हारे पास सिक्स टाइप की ही क्या है? कोई बताएगा मुझे? सर वी हैव ओनली 6 type of cost। मैं 1 CR दे सकता हूं, मैं 2 CR दे सकता हूं, मैं 3 CR दे सकता हूं, 4 CR दे सकता हूं, 5 CR और 6 CR। मतलब इससे यहां तक सबका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। चमक रहा है दिमाग में? अगर चमक रहा है तो मजा आएगा। क्या कहा है देखो दोबारा, डोरमेट्री 4 to 9 नो नीड टू डिफरेंट रिपेयर कॉस्ट। उनको अलग अलग रिपेयर कॉस्ट की क्या है? नीड टू डिफरेंट रिपेयर कॉस्ट, अलग अलग डिफरेंट, मतलब डिफरेंट 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। एंड यू हैव अ गिवन डाटा 1 to 6 विद ड्रोम 7 नीड मैक्सिमम। 7 को चाहिए मैक्सिमम। गाइस मैक्सिमम कितना होगा? ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, पहली डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है कि 7 को कितना चाहिए होगा। कैन यू टेल मी? कोई बताएगा मुझे? सर 7 के लिए डायरेक्ट डाटा है 7 को 6 चाहिए, तो 6 फिल कर दूं क्या? मैं यहां 6 फिल कर दूं? जैसे ही 6 फिल करो तो ये अपने आप क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि एक ही टाइप का रिपेयर होगा। ऐसा नहीं है तुमने लाइट रिपेयर भी करवा दिया, मॉडरेट भी करवा दिया और एक्सटेंसिव भी करवा दिया। तो अगर तुम्हारे एक्सटेंसिव हो चुका है तो लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे सुनो, द ड्रोम 8 नीड मिनिमम। मिनिमम कितना है गाइस? मिनिमम 1 है। तो क्या यहाँ पे 1 डाल दूं? क्या यहाँ पे 1 डाल दूं? सर जैसे ही आप यहाँ 1 डालोगे बाकी सारे क्रॉस हो जाएंगे। मजा आएगा यहां तक जान के? यहां तक जान के कोई दिक्कत है किसी को? अगर यहां तक जान के तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो कैन यू टेल मी 9th 1 का ये वाला डाटा अभी तक फिल नहीं हुआ? 9th 1 का ये वाला डाटा फिल नहीं हुआ, स्टिल यू हैव अ प्रॉब्लम। और 9th 1 का ये डाटा मॉडरेट में आता है, मॉडरेट में कितने कितने पैसे लग सकते हैं? सर जब आप मॉडरेट रिपेयर करवाओगे तो या तो आपके 3 CR लगेंगे या आपके 4 CR लगेंगे। और एक्सटेंसिव में कितने लगते हैं? या मेरे 5 लगेंगे या 6 लगेंगे। चमक रहा है सबको? और लाइट रिपेयर में कितने लगेंगे? सर लाइट रिपेयर में मेरे 1 लग सकते हैं और 2 लग सकते हैं। सबको चमक रहा है तो बोलो डन। अब आगे चलते हैं, शांति से सुनना गाइस। 6 के लिए कितना आएगा? कैन यू टेल मी अबाउट 6? 6 पोजीशन और 4th पोजीशन के बारे में कोई मुझे बता सकता है क्या? 6 और 4 में 1 क्यों नहीं आएगा? 1 क्यों नहीं आएगा? 1 क्यों नहीं आएगा? कैन यू टेल मी अबाउट 1? सर 1 ऑलरेडी आ चुका है। सर 1 ऑलरेडी आ चुका है। यस 1 ऑलरेडी आ चुका है। सुनना, तो 1 ऑलरेडी आ चुका है तो 2 आएगा। सर 2 इन दो, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से आपने 6 पे 2 क्यों कहा? क्योंकि 6 के पास सिर्फ एक ही पोजीशन खाली है।
सिक्स में एक ही प्लेस खाली है, यहां पे दो प्लेस खाली है, तो यहां अगर मैं वन टू डाल दूंगा तो आई हैव नथिंग टू लेफ्ट, मुझे सिक्स की रिपेयर करवाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। अरे क्लियर हो रहा है क्या? एकदम प्यार से क्लियर हो रहा है। अगर क्लियर हो रहा है तो यू नो दैट कि यहाँ पे 2 CR का रिपेयर हुआ था और इसने लाइट रिपेयर नहीं करवाया था। इसने क्या करवाया? इसने एक्सटेंसिव रिपेयर करवाया। गाइस टेल मी, क्या यहाँ 5 आएगा कि 6 आएगा? अब तुम लोग एक गड़बड़ करते हो। 5, 5 का फिलहाल कोई रीजन नहीं है यार, कोई रीजन नहीं है 5 का फिलहाल। बट तुम लोग जैसे ही ये डिफरेंट वाला पढ़ोगे, देन यू थिंक कि सर 5 और 6 में से 6 आ चुका है, तो यू गाइज लेफ्ट विद ओनली 5। चमक रहा है सबको? क्या ये 5 चमक रहा है सबको अच्छे से? ये हो गया 5। अब मेरा मेरा कौन सा बचा है? सर मेरा ये बचा है, और मेरा एक तो फिफ्थ वन बचा है, और मेरा और कौन बचा है बच्चों? और एक मेरा बचा है सर 9th वन। कैन यू टेल मी इस जगह कुछ आ सकता है? क्योंकि एक्सटेंसिव रिपेयर के 5 और 6 आ चुके हैं, 5 और 6 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो यहां पे नहीं आएगा। ऑलरेडी क्रॉस कर दो सर, ये 5 और 6 की रिपेयर नहीं करवाएगा। मजा आ रहा है यहां तक सोच के? अब क्योंकि मेरे पास सारे पॉइंट खत्म हो चुके हैं, मैं नहीं बता सकता कि मेरे फिफ्थ डोरमेट्री और 9th डोरमेट्री में क्या आएगा, बट आई नो वेरी वेल कि अगर यहां 3 आता है, अगर यहां 3 CR का होता है तो यहां 4 CR होगा, और अगर यहां 4 CR होता है तो 3 CR होगा। लिखने का तरीका जाने क्या? ये नई अप्रोच है सीखने की कि भैया बार बार अलग अलग टेबल नहीं बनानी, कि अगर मान लो मल्टीपल केसेस आते हैं तो केस 3 और 4 हो सकता है, 4 और 3 हो सकता है, मैंने दोनों केस एक ही लाइन में लिख दिए। बट क्या इसके अलावा कोई केस बनेगा क्या? अगर मैं तुम्हें टेबल में बना के दिखाऊं तो अपना क्या हो गया था? इसका सबसे पहले वाला केस क्या था? इसके सारे के सारे ओड नंबर उड़ गए थे, इसके सारे ओड नंबर उड़ गए थे। यहां देखो फटाफट, तुम्हारे माइंड में ऐसे चलना चाहिए, ओड उड़ गए थे ये सारे, ओड उड़ गए, ठीक है, ये ऑल ओड इज क्रॉस, ये सारे के सारे ओड क्रॉस हो गए। दूसरे वाले में इवन क्रॉस हो गए थे, दूसरे वाले में इवन क्रॉस हो गए थे। मैं अपनी मर्जी से नहीं लिख रहा, ये गिवन इंफॉर्मेशन है, यस। और थर्ड वाले के अंदर क्या हुआ? 3 के मल्टीपल क्रॉस हो गए थे, 3 के मल्टीपल, ये 3 के मल्टीपल क्रॉस हो गए, डन। ये सारे के सारे सब। उसके बाद तुम लोगों को बोला गया था कि 7 और ये 6, और इसके बाद किस किस की बात हुई थी? 7 की बात हुई थी मैक्सिमम, तो ये हो गया मैक्सिमम, तो ये इसका क्रॉस हो गया था। अब उसके बाद क्या हुआ था? 8th की बात हुई थी, 8th का मिनिमम था, 8th का क्या था? मिनिमम था, तो 8th का मिनिमम था, तो यहां पे 1 हो गया और ये क्रॉस हो गया। और क्योंकि 6 के पास एक ही बचा है, इसकी जो प्राइस है वो 1 और 2 CR हो सकती है, इसकी हो सकती है 3 और 4, और इसकी हो सकती है 5 to 6। इज इट क्लियर? यहां पे सिर्फ और सिर्फ अपोजिट डालना था तो 2 बचेगा, अगर यहां 2 डाल दिया तो ये हो जाएगा क्रॉस, और इस क्रॉस के बाद तुम्हारे पास 6 ऑलरेडी है, तो तुम यहां पे क्या पुट कर सकते हो? यू गाइस पुट 5, यस। अगर अगेन देखोगे तुम लोग, 5 वाला पूरा फिल हो गया तो तुम्हें यहां डालना पड़ेगा क्रॉस। इस क्रॉस के बाद तुम लोगों ने 5 और 9 के बीच में देखा था, तो अगर यहां 3 आएगा तो यहां आ जाएगा 4, और यहां अगर 4 CR लग रहे हैं तो यहां लगेंगे 3 CR। बोलो टेबल एज इट इज फिल हो गई, किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है, एज इट इज। ये था मतलब, नॉर्मली तुम लिखो फटाफट हो जाएगा काम, या यहां तक किसी को दिक्कत है तो पूछो। दिक्कत है किसी को? आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी बच्चे को। अब शांति से सुनना मेरी बात, बहुत ही क्लियरिटी के साथ, क्लियरिटी ऑफ थॉट रखते हुए मुझे बताओ, मॉडरेट रिपेयर कितने लोगों ने करवाई थी? मॉडरेट रिपेयर 4 लोगों ने करवाई थी, मॉडरेट रिपेयर 4 डोर में हुई थी, यस। मॉडरेट जो रिपेयर हुई थी वो 4 ड्रोम में हुई थी, यस। और ये हाई या एक्सटेंसिव एक ही बात है, एच का मतलब हैवी एक ही बात है, कितना? एचआर का मतलब ये बताओ ना कितने डोरमेट्री में हुई थी? सर ये हुई थी 3 में, 3 डोरमेट्री में हुई थी। एंड कैन यू टेल मी अबाउट वन थिंग, अगेन मजा आएगा सीख के। अब क्या था सबसे? लाइट रिपेयर कितने में हुई थी? सर लाइट रिपेयर आपने दिखाई थी, लाइट रिपेयर हुई थी 3 में, यह भी बहुत प्यारी बात है, लाइट रिपेयर हुई थी 3 ड्रोम में, यस। अब मेरे को ध्यान से सुनना, शांति से, तुम लोग अगर मॉडरेट और रिपेयर देखोगे तो 2 ही प्लेस खाली है, यस और नो? 2 ही प्लेस खाली है, एग्री विद मी और नॉट? एग्री विद मी और नॉट? ये बात क्लियर हुई? और तुम लोगों को
क्योंकि टोटल चार डोरमेट्री थी, तो ये दो तो दोनों फिल होंगे, ये दोनों अगर फिल होंगे, अगर ये दोनों फिल होंगे तो ये क्रॉस हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्या ये वाला क्रॉस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एंड तुम लोग मुझे एक बताओ, इन दोनों केस को मैं साथ में कंसीडर करूं तो एक थ्री और एक फोर खर्च हो जाएगा। यहां दिमाग लगाना, अगर मैं फिफ्थ और नाइन्थ डोरमेट्री को एक साथ कंसीडर करूं, चाहे मैं ये वाला केस लूं चाहे मैं ये वाला केस लूं, तो मेरा एक थ्री और एक फोर यूज हो जाएगा। मैं अगर यहां थ्री सी आर दूंगा तो मुझे यहां फोर सी आर देना पड़ेगा, और अगर मैं यहां फोर सी आर दूंगा तो मुझे यहां थ्री सी आर देना पड़ेगा। तो यू गाइज नोटिस दैट, यू गाइज नोटिस दैट कि फोर सी आर तो सिर्फ एक बार ही दिया जा सकता है, यस और नो, और थ्री सी आर थ्री टाइम दिया जा सकता है। तो यू गाइज लेफ्ट टू टाइम थ्री सी आर, तो ऑटोमेटिकली थ्री थ्री आ जाएगा यहाँ पे। देखो ये ऐसी चीजें हैं जो दिमाग को खुला रखना पड़ता है। डजेंट मैटर तुम्हारा 10th 12th ग्रेजुएशन कैसा है, कल कैसा था, राइट नाउ तुम्हारा दिमाग कितना एक्टिव है वो मैटर करता है। तुम्हें पता है कि मॉडरेट रिपेयर के अंदर दो टाइप की रिपेयर है, एक तो थ्री सी आर की रिपेयर है, एक फोर सी आर की रिपेयर है। फोर सी आर की सिर्फ एक डोरमेट्री में हो रही है, और थ्री सी आर की तीन डोरमेट्री में हो रही है। तुमने एक सिया एक यहां पे और एक पहले दोनों यूज कर लिए, तो कितना लेफ्ट बचा, ओनली दो दो डोरमेट्री बचे हैं जिसके अंदर तुम्हें क्या करना है, स्टिल तुम्हें तीन सीआर यूज करने हैं। दैट्स व्हाई मैंने यहां थ्री थ्री लिख दिया। बोलो चमक गया तो मस्त, एकदम अच्छे से चमक गया। एंड अब तुम लोगों के साथ जबरदस्त कहानी होने वाली है। क्या जबरदस्त कहानी होने वाली है, अगर इन दोनों की पिक्चर को देखा जाए, अगर इन दोनों की पिक्चर को देखा जाए तो इन दोनों की पिक्चर के अंदर एक है लाइट रिपेयर, एक है एक्सटेंसिव रिपेयर। मजे से बताना बेटा, तुम्हारे पास अब क्या क्या बचा है। सर लाइट रिपेयर में वन दो बार है और सिक्स दो बार है, तो तुम यहां पे या तो यहां पे वन डालोगे या फिर यहां सिक्स डालोगे, या यहां सिक्स डालोगे और यहां वन डालोगे। चमक रहा है कि सबको नहीं चमक रहा, जस्ट टेल मी बेसिक फॉर्मेट क्या था, मैं सिखाना चाहूंगा। अगर मैं यहां वन डालूंगा तो ये ऑटोमेटिकली क्रॉस हो जाएगा और यहां सिक्स आ जाएगा। चमक रहा है सबको, और यहां क्रॉस हो जाएगा, इट्स अ पॉसिबल केस। अगेन दूसरा केस क्या सोच सकते हैं बेटा, कि अगर आप यहां पे वन ना डाल के यहां सिक्स डालोगे तो ये ऑटोमेटिकली वन हो जाएगा और ये क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें एक सीआर और सिक्स सीआर खर्च करने हैं और तुम्हारे पास दो इंपॉर्टेंट डोरमेट्री खाली है। तो मैं ये बताओ, दो नंबर का डोरमेट्री वन सी आर या सिक्स सी आर से ज्यादा हो सकता है क्या? या तो दो नंबर के डोरमेट्री पे वन सी आर खर्च होगा या सिक्स सी आर खर्च होगा। 10 नंबर के डोरमेट्री पे या तो सिक्स सी आर खर्च होगा या वन सी आर खर्च होगा। क्या अंडरस्टैंडिंग बनी, कितने परसेंट लोग आज एग्री करते हैं कि एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बन गई सर आराम से। बट क्योंकि जब मैं समझा रहा होता हूं तो मैं डिस्ट्रैक्ट कम हो रहा हूं। ऐसी चीजें तुम्हें जब तुम सॉल्व करो तब भी होगी। अब मैं दो चीजें बताने वाला हूं कि कुछ लोग होते हैं जो सेल्फ स्टडी कर लेते हैं, राइट, जो इंपॉर्टेंट है, बट अपन उनमें से नहीं आते। ये बात पहले तो कैरी करो, यस और नो में। अगर तुम उनमें से नहीं हो जो बिना किसी रीजन के 4 से 5 घंटे पढ़ लेते हैं शिद्दत से, तो तुम्हारा काम है कि तुम चीजें लाइव करो, वहां स्किप मत करो। जैसे मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं कि मुझे है ना, अगर लाइव बोला जाए ना पढ़ाने के लिए, तब मजा आता है, तब मुझे वन टू वन इंटरेक्शन में मजा आता है, सबके डाउट लेने में मजा आता है। एक है कि सिर्फ रिकॉर्ड कर दो तो रिकॉर्ड में मुझे प्रॉब्लम है। लाइक अगर तुम्हारे साथ ऐसी प्रॉब्लम है कि तुम लोग चीजें सेल्फ स्टडी पे नहीं ले जा सकते, तो तुम्हें सारी क्लासेस अच्छे से ज्वाइन करनी चाहिए। रीजन वॉज दैट कि वहां पे तुम अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हो। अरे समझ रहे हो क्या, तुम लोग वहां प्रैक्टिस भी कर रहे हो। राइट नाउ ये जो सेट है ये तुम्हारे किसी कोर्स का हिस्सा नहीं है, बट अगर अब 1 घंटे की बात की जाए तो ये 1 घंटा तुम किसी भी एंगल से खुद बैठ के नहीं दे पाते। ऐसा अगर तुम्हारे साथ है तो तुम्हें क्लासेस लाइव ज्वाइन करनी चाहिए। और अगर तुम दूसरे टाइप के स्टूडेंट हो कि बहुत डेडिकेटेड हो, 3 घंटे कैट की पढ़ाई करनी ही करनी है, तो तुम रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, गॉट इट। बट मुझे पता है कि जो लोग लाइव आते हैं तो वो लोग थोड़ा सा ये सोचते हैं कि वो क्लास में आएंगे तो कम से कम कुछ 2-3 घंटे तो प्रैक्टिस होगी, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन पे। क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली, नेसेसरली का मतलब ट्रू,
सच हो सकता है बट जरूरी नहीं है कि सच हो। जैसे पहले लिखूं, ड्रोम वन नीड ए मॉडरेट रिपेयर, क्या ड्रोम वन को मॉडरेट रिपेयर की जरूरत है? हाँ ये तो सच बात है क्या, ये तो सच बात है क्या? सच बात नहीं होनी चाहिए। वो कह रही है ड्रोम फाइव रिपेयर कॉस्ट नो मोर देन 4 CR। भैया 5 की 4 CR से ज्यादा हो सकती है क्या? सर 5 नंबर ड्रोम की जो है या तो 3 CR होगी या 4 CR होगी। बात सही है बेटा। ड्रोम नंबर 7 नीड एक्सटेंसिव रिपेयर, 7 को एक्सटेंसिव रिपेयर चाहिए। ये तो डायरेक्ट बोल दिया था सामने वाले ने। अरे सामने वाले ने डायरेक्ट बोल दिया था, सही बात है। ड्रोम 10 रिपेयर कॉस्ट नॉट मोर देन 4 CR। ये बात गलत है कि अगर ड्रोम 10 के अंदर देखोगे, अगर तुम 6 CR लेते हो तो 2 होता है 1 CR का, और 1 CR लेते हो तो 6। तो यहाँ पे ये केस अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ, तो ड्रोम नंबर 10 4 CR से ज्यादा ले सकता है। तो ये नेसेसरली क्या है? नेसेसरली ट्रू नहीं है। तो क्या ये आंसर हो गया? बहुत से बच्चों को ये चीज रीड करनी भी नहीं आती, वो पूछ लो मुझसे। सबको समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? 10 नंबर का जो डोरमेट्री है उसमें 4 लाख से ऊपर का, सॉरी 4 CR से ज्यादा का कोष नहीं आएगा। बट तुम क्या श्योरिटी से कह सकते हो? श्योरिटी से नहीं कह सकते। इस केस में अगर मैं ये कह दूं कि यहाँ 1 CR लगा है तो यहाँ ऑटोमेटिकली 6 CR लग जाएगा, तो ये स्टेटमेंट नेसेसरली ट्रू नहीं है। बाकी तीन An स्टेटमेंट academy. Let's crack it.